नमस्कार, मैं हूं नीरज और ये दी लल्लनटॉप.com है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इल्जाम अस्थाना के पास भी थे आलोक वर्मा के खिलाफ। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। सीबीआई के नंबर एक और नंबर दो की ये लड़ाई जब हेडक्वार्टर से बाहर निकली तो इस पर मीम्स बनने लगे। तब जाकर केंद्र घुसी इस मामले में, उसने वर्मा और अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेज दिया। मगर ये जो अभी की स्थिति है वो बड़ी गंभीर है। सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजे जाने से चीजें और उलझ गई हैं। केंद्र सरकार अपने फैसले को सही बता रही है, मगर इस तरह खुलकर की गई दखलंदाजी और इसके पीछे की मंशा पर अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि आलोक वर्मा को हटाने और एम नागेश्वर राव को अंतरिम प्रमुख बनाने में नियमों की भी अनदेखी की गई। मगर ये पहली दफा नहीं हुआ है कि केंद्र ने सीबीआई के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की हो। ऐसा एनडीए की पिछली सरकार में भी हो चुका है, तब जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी गृहमंत्री। सीबीआई के जिस डायरेक्टर को हटाया गया उनका नाम था त्रिनाथ मिश्रा। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी थे, सख्त मिजाज। कहते हैं उन्होंने राजनीतिक दबाव के आगे झुकना मंजूर नहीं किया था, अपना काम करते रहे और बस इसी वजह से निकाल दिए गए। इसके पीछे की वजह एक एक कर समझते हैं। ये 19 नवंबर 1998 की बात है, सुबह के ठीक 8 बजे थे। सफेद एम्बेसडर में बैठे सीबीआई अफसरों की एक टीम मुंबई के पॉश इलाके कफ परेड में पहुंची। वहां धीरूभाई अंबानी का घर है, उनके पास सर्च वारंट था। साथ के साथ मुंबई और दिल्ली में रिलायंस के दफ्तरों पर भी छापेमारी हुई। करीब 8 घंटे तक चली ये रेड, पूरा घर पूरा दफ्तर खंगाल लिया। सालों से भारत में ऐसा हुआ नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी पर यूं छापा मारा जाए। सीबीआई जांच कर रही थी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन की। सीबीआई तलाश रही थी कि क्या अंबानी परिवार और रिलायंस के पास कोई गोपनीय सरकारी फाइल है या नहीं। शुरुआत में रिलायंस ने इस बात से ही इनकार कर दिया कि कोई छापा पड़ा है, मगर ये कोई छोटी खबर तो थी नहीं कि दबा दी जाए। अगले दिन यानी 20 नवंबर को रिलायंस ने मान लिया कि रेड पड़ी थी। आउटलुक जो पत्रिका है उसमें एक रिपोर्ट छपी, रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से थी। उसमें बताया गया था कि छापेमारी में कुछ खास कागजात बरामद हुए हैं जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस पेट्रोलियम के बीच हुई डील पर रोशनी डालते हैं। सूत्रों ने आउटलुक को बताया कि वो कागजात जो मिले हैं वो पेट्रोलियम मंत्रालय के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की परिधि में आते हैं। ये सारी स्थितियां थी जिन्हें मद्देनजर रखते हुए सीबीआई ने धीरूभाई अंबानी के घर छापा मारा था। मगर वाजपेयी और आडवाणी इसके समर्थन में नहीं थे। उन्होंने साफ जता दिया था कि वो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर त्रिनाथ मिश्रा रेड डालना चाहते हैं तो वो अपने मन की कर सकते हैं। शायद इसके पीछे एक वजह सुप्रीम कोर्ट भी थी। दिसंबर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर कुछ नियम बनाए थे। इसके बाद सरकार के लिए खुलेआम दखलंदाजी करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। कहते हैं कि रिलायंस को पहले ही इस बात की भनक लग गई थी कि सीबीआई धीरूभाई अंबानी के घर छापा मारने वाली है। इसकी एक वजह यह भी है कि सुब्रमण्यम के यहां रेड पड़ने के बाद वो आगाह हो गए थे। ये सुब्रमण्यम दिल्ली में रहते थे और रिलायंस कंपनी के एक बड़े पदाधिकारी थे, उनके घर में सीबीआई ने रेड मारी थी। तो कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी और अंबानी परिवार को इस बात का पता चल गया था कि मुंबई में उनके घर पर सीबीआई की रेड पड़ने वाली है। फिर उस रेड और इस रेड के बीच 21 दिनों का अंतर था। सीबीआई दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग के बीच कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत हुई। मतलब सीबीआई दिल्ली पुलिस और इनकम टैक्स में आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ठीक से हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ कि बस 9 महीने के कार्यकाल के बाद त्रिनाथ मिश्रा पद से हटा दिए गए। अब ये हुआ कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर ओपन मैगजीन ने एक लेख छापा जून 2013 में।
इसमें त्रिनाथ मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री का ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यालय, गृह मंत्री का ऑफिस मतलब लालकृष्ण आडवाणी का ऑफिस, दोनों उनके काम में दखलंदाजी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर सरकारी दबाव दिया जाने लगा तो मैंने साफ कहा कि उन्हें मेरी जगह कोई और अफसर खोज लेना चाहिए जो उनकी हां में हां मिलाए, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। सीबीआई से अपनी छुट्टी के बारे में बताते हुए त्रिनाथ मिश्रा ने लिखा कि मुझसे कहा गया कि इस केस में ऐसा करो, मैंने कहा यह कानून के खिलाफ है, इस पर मुझे जवाब मिला फिर भी देख लीजिए, आखिरकार मुझे कहना पड़ा कि माफ कीजिए मुझसे ये नहीं होगा। इसके बाद ही उनकी सीबीआई के निदेशक पद से छुट्टी कर दी गई। तो ये थी आलोक वर्मा से पहले अपने पद से हटाए गए सीबीआई के एक डायरेक्टर की कहानी। बाकी की इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, फेसबुक पेज लाइक ज़रूर करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें, और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।